नमस्कार। सो लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट लैंग्वेज, सो नाउ इट्स अबाउट लिटरेचर, साहित्य। व्हाट इज लिटरेचर? एक तरह से देखिए, अगेन वील कीप इट वेरी सिंपल। एक तरह से आप देखिए तो क्या है, बस कहानियां हैं, कविताएं हैं, है ना, कथाएं हैं, जो कि क्या है, हर संस्कृति हर भाषा में है। आप लोग भी बचपन से सुन रहे होंगे, जैसे मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी कोई सुनाता होगा। जैसे इंटरेस्टिंगली एक जो यहाँ की आपकी एक गीत के फॉर्म में भी हो सकता है, गानों के फॉर्म में भी हो सकता है कहानियाँ, जैसे है ना आप लोग के यहाँ पे, जैसे कि जो सोनी भूंकू की कहानी है, इंटरेस्टिंगली अगर आप उस कहानी को जानते हैं तो हाँ, लाहौल में भी एक वर्जन है, कई वर्जन है इनफैक्ट। तो इन सबको तो हम क्या है, खैर अब ओरल ट्रेडिशंस बोलते हैं, यानी जो क्या है साहित्य या फिर जो भी कथाएं कविताएं गाने जो हमें क्या है लिखित रूप में नहीं मिले हैं, बट रादर पीढ़ी ब पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन इन्हें पास किया गया। कैसे? ओरली, यानी मुंह से बोलकर, है ना। खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज लिटरेचर? सो अगेन, जैसे हम पिछली बार बात करते थे ह्यूमैनिटीज में, आर्ट सब्जेक्ट्स में, यानी यू नो देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट, यानी कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सो लिटरेचर इज अनदर वन ऑफ दोज थिंग्स, यानी कई किताबें, लेकिन कई क्या, यानी हजारों लाखों किताबें लिखी गई हैं इन चीज़ों पे, क्रिटिसिज्म थ्योरीज, बट यू नो इन द एंड लिटरेचर साहित्य एक, यू नो इट इज सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट यू कुड से कि यू नो एक बड़ी ही, अगर आपको एक सिंपल डेफिनेशन देनी है कि लिटरेचर वुड यू नो कंप्राइज ऑफ एनी नेरेटिव दैट टेल्स अ समथिंग ऑफ वैल्यू, स्पेशली अबाउट द टाइम एंड प्लेस इट वॉज रिटन, और अबाउट द जनरल ह्यूमन एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य हो उन चीज़ों का जो लिखी गई है या फिर कही गई है, सोची गई है, कुछ स्पेशल हो सकता है, कुछ अलग तरीके से कही गई हो, अलग भाषा में कही गई हो, भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट हो, और जस्ट द कंटेंट, यू नो इट मैनेजेस टू कैप्चर लाइक सम एसेंशियल ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी इंसानियत या फिर जनरल इंसानियत या फिर किसी एक स्पेसिफिक कल्चर, एक स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक जगह के बारे में अगर यू नो कुछ बहुत ही एक मूल्य यानी वैल्यूबल चीज़ है, अगर उसके बारे में आपने समझी है और लिखी, तो उसे आप साहित्य कह सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, यू नो अगर आप में से कोई कल को आगे चल के अपने बारे में नॉवल, अपने के अपने संस्कृति, अपनी जगह के बारे में आप कुछ नॉवल या कुछ इवन फैक्ट, इवन इफ अगर आप कविताएं लिखना चाहते हैं, सो लाइक यू नो यू विल ट्राई टू, इफ इट्स अ गुड बुक, एक तो है आपने सिंपल कहानी लिख दी जैसे बॉलीवुड टाइप की ना, लड़का था लड़की थी, क्या है विलेन हो गया ये वो, बट अगर आप अच्छी किताब, लिटरेचर आम किताब है, आम कहानियां हैं, और फिर साहित्य का दर्जा हम किन्हें देते हैं, वो फिर इससे डिसाइड होता है शायद कि आप जो वाकई में भरमौर का जीवन, एक यू नो गद्दी लड़का या लड़की होने का जो एक एक्सपीरियंस है अपने समय का, कि कैसे आजकल अब यू नो भरमौर बदल रहा है धीरे धीरे, आप भी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, ये सब मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो अगर इन चीज़ों को आप कैप्चर कर लेते हैं अपनी कहानी के माध्यम से, तो तब शायद क्या है आपकी किताब या कविता या जो भी है उसे हम साहित्यिक रूप में मान सकते हैं। सो एनीथिंग वैल्यूएबल, इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। सो या, और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे यू नो इट्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नेरेटिव ऑफ वैल्यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोइम्स एंड स्टोरीज, ये जो क्या है, जो महाभारत है, रामायण है, एपिक्स हैं, बाइबल, वेद हैं, ये सब भी क्या है लिटरेचर माने जाते हैं, क्योंकि क्या है चाहे अब अगर ठीक है आस्था की बात आती है तो आप शायद ये मान लीजिए कि ये चीज़ें, जैसे क्रिश्चियंस का मानना है कि बाइबल क्या है, भगवान का शब्द है कहा गया, वैसे ही कुरान और वैसे ही वेद हम मानते हैं, सो ठीक है शायद मे बी इट हैज़ कम फ्रॉम डिवाइन इंस्पिरेशन, राइट, हो सकता है सही में भगवान से है, लेकिन लिखे या फिर सुने या सोचे जिसके बीज तो क्या है इंसानों में ही रहा है, सो वी डू कंसिडर इट एज लिटरेचर ऑल्सो, ठीक है। और ये क्या है ओरल ट्रेडिशन, वेद वगैरह ये जो अब आजकल हम किताबों में पढ़ सकते हैं, बाइबल, बट यू नो इट वाज ऑल ओरल, ठीक है, जिसके हम बात कर रहे थे पहले। ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट यू नो साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट, जैसे चार्ल्स डार्विन, डार्विन का नाम आपने सुना होगा,
फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी किताब थी, आप सोचिए, क्योंकि इससे पहले क्या है, अब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उस समय तक क्या है, बाइबल जैसे हमारे पास, तो सो एनी हाउ, सो बाइबल, यू नो, दे हैड द बाइबल, और सब कुछ बाइबल के अनुसार था। बट देन, और बाइबल के अनुसार क्या है, दुनिया 7 दिन में बनी गई थी, पहले आदमी बना, फिर औरत बनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट डार्विन कम्स डाउन एंड सेज कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे क्रम विकास हुआ है, यू नो, इंसान पहले क्या है, बंदर था, उससे पहले ये था, ऐसे ऐसे। सो इट वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया। तो हालांकि उसे हम, अब साइंटिफिक बुक है, बट स्टिल वी डू कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। सिमिलरली, लाइक यू नो, फ्रॉयड साइकोलॉजिस्ट, उनकी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, या फिर मार्क्स, मार्क्स का नाम आप स्पेशली पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स यू शुड नो, यू नो, फादर ऑफ कम्युनिज्म सॉर्ट ऑफ, उनकी जो किताब है दास कैपिटल, इट्स कंसिडर्ड एज लिटरेचर, इट इज अ पोलिटिकल टेक्स्ट, यू नो, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जहाँ पे क्लास के बारे में उन्होंने काफी बात की। सो ऑल ऑफ दैट, सो बेसिकली, यू नो, इट्स नॉट जस्ट पोएम्स एंड स्टोरीज, लिटरेचर एक अगर आपको परिभाषा देनी ही है, एज आई सेड, इट इज एज सिंपल एज एनी टेक्स्ट दैट कैन टेल यू समथिंग ऑफ वैल्यू अबाउट ह्यूमैनिटी, ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यू नो। दैट्स वेयर आई विल स्टॉप, ठीक है। सो नेक्स्ट देन क्वेश्चन इज, ठीक है, ऐसा है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, यू नो, व्हाई स्टडी लिटरेचर, ठीक है, यानी ठीक है, कहानी अच्छी लगती है सबको, है ना, सुनने में बढ़िया है, बट लाइक ऐसा क्या है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है ना, बैठ के कॉलेज में। तो वही है, जैसे एक तरह से इट्स अबाउट नॉलेज, यू नो, देयर वाज अ टाइम व्हेन, यू नो, अब धीरे धीरे क्या है, आपने अलग अलग सब्जेक्ट बनाए हैं, लिटरेचर, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, नेचर, ये साइंस अलग है, बायोलॉजी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ब्रांचेस बना दिए हैं, बट एक समय पे क्या है, इट वॉज ऑल वेरी सिंपल, यू नो, इट वॉज ऑल अबाउट द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान है सब, धर्म वर्म भी अलग था, सब कुछ तब एक तरह से सेम ही था। सो इट्स अबाउट लाइक, यू नो, टाइम को समझने की बात है, अगर आप लिटरेचर की बात करें तो। फॉर इंस्टेंस, यू नो, अगर इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड व्यू, जैसा हम बता रहे थे कि अगर आपने एक अच्छा अच्छा नॉवल, एक अच्छी किताब, क्या है, एक अच्छी कहानी अपने जगह और अपने समय को एक तरह से कैप्चर कर सकती है, तो एक तरह से उस किताब को पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि उस समय में, उस जगह में कोई इंसान था, तो उसका जीवन कैसा था, उसे कैसा महसूस होता था, यू नो। सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ कल्चर, इट्स वैल्यूज, उनके क्या मान्यताएं हैं, द लिव्ड एक्सपीरियंस, उस कैसा लगता था एक स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस में लोगों को, ये सब चीज़ें जी, क्योंकि एक देखिए जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए जैसे लाहौल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो बहुत किताबें हैं, डिस्ट्रिक्ट अमेरिका, अमेरिका बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रिटिशर्स के टाइम से, यू नो, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, ये सब तो बहुत जानकारी है, उसमें बहुत तथ्य है, इट्स फुल ऑफ फैक्ट्स, यू नो, इतना साइज है, ये है, वो है, डेट यहाँ पे ये था, ये सब एट्सेट्रा, ठीक है। ऐसी कई किताबें हैं, रिसर्च बुक, लॉट्स ऑफ फैक्चुअल बुक्स, सो यू कैन रीड अबाउट इट, आपको कई चीज़ें पता लगेगी, लेकिन आप 100 ऐसी किताबें पढ़िए, बट ऑन दी अदर हैंड, शायद, यू नो, इफ यू रीड, अगर एक कविता भी अगर आप, यू नो, किसी एक अच्छी कवि की पढ़ लें, तो शायद आपको लाहौल के कवि की जिन्होंने लिखी हो, तो शायद आपको उससे ज़्यादा समझ में आ जाए कि लाहौल का जो इंसान है इस समय में जो जी रहा है, वो उसका जीवन कैसा है, यू नो। तो एक तरह से अगर आप घुमा फिरा के बोलना चाहें, सो इट्स अबाउट लाइक, यू नो, समटाइम्स स्टोरीज आर ट्रूअर, यू नो, कहानियों के माध्यम से आप क्या है, एक तरह से रियलिटी को काफी निचोड़ के उसका मूल तत्व, सम एसेंस आउट ऑफ इट, यू नो, वो आप कहानी के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि शायद ऑर्डिनरी लाइफ में आपको ना मिले। सो कई चीजें हैं, तो इसीलिए, यू नो, इस सब के चलते एक जो बार बार सवाल उठ जाता है, जैसे स्कूल में व्हेन यू यूज्ड टू स्टडी लिटरेचर, जब आप का लिटरेचर की किताबें पढ़ते थे, सो मोस्टली, यू नो, यू वर आस्क्ड, यू फोकस्ड ऑन द वॉट, यू नो, कि कहानी में क्या बोला जा रहा है, किसने क्या बोला, क्या हुआ, और एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी, समथिंग लाइक दैट, यू नो, वेरी सिंपलिस्टिक। तो जैसे कि आपसे सिंपल सा इवन क्वेश्चन में भी यही होता था, वॉट डिड मिस्टर ए से टू मिस्टर बी,
when they were doing something, right? But now, like, so mostly you're focusing on the what. Now you'll focus on the other things, जैसे who. ये बहुत ज़रूरी है ना कि किसने, जो आप टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, जो भी कविता एसे या स्टोरी पढ़ रहे हैं, किसने लिखी है, क्यों, ये क्यों ज़रूरी है. बिकॉज़ उससे आपको, ठीक है, एक राइटर के बारे में पता लगता है, ये उनके जीवनी के बारे में पता लगता है, बट उसी के मार, क्योंकि वही इंसान जो है आपको उस समय का या फिर उस जगह का, उस समय का क्या है, आपको सत्य एक तरह से निचोड़ कर बता रहा है. सो ये, क्योंकि अगर इफ यू नो हु इज राइटिंग, देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वाई ही इज राइटिंग लाइक दैट, यू नो. समझ रहे हैं आप, जैसे कि आई एम राइटिंग समथिंग इन 2020 कोरोना टाइम पे, तो हो सकता है आजकल जो मैं कविता या कुछ लिख रहा हूँ उसमें इन सब का जिक्र हो, ये सब, राइट. सो एनी हाउ द होल पॉइंट इज, सो नाउ लाइक वील बी फोकसिंग मोर ऑन दीज थिंग्स, यू नो, कि ये जो आप कविता या कहानी पढ़ रहे हैं, किसने लिखी है, कहाँ लिखी गई है, उस जगह का जो कंटेक्स्ट होता है, कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर. तो अब हम उस पर देखेंगे कि यानी कब लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, कैसे, हाउ, में बेसिकली हम क्राफ्ट पे देखेंगे, यानी कि किन तरीकों के, किस तरीके से कहानी बताई गई है, समय का किस तरह से उसमें उपयोग किया गया है, हाउ डज ही प्ले विद टाइम, आगे पीछे कैसे चलते हैं. और तो ये है बेसिकली, राइट. और ये जो बात हो रही है कि राइटर को समझना, जगह को समझना या फिर समय को समझना, इस सबसे बात यह है कि कि आपको इन सबसे बेसिकली समझ में आएगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड इज, कि जो लोग हैं, एक तो जो राइटर है, उस जो वो लिख रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है ना, उस समय, और उससे आपको समझ में आएगा कि उस समय पे, व्हाट वाज सोसाइटी थिंकिंग, लोग जो उस समय के उस जगह में थे, व्हाट वर दे थिंकिंग, उनके दिमाग में क्या चलता था, उनकी भावनाएं क्या थी. एंड ऑल्सो इन अ लार्जर स्केल यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें कई और मुद्दे आ जाते हैं, टॉपिक्स, कि उस समय की राजनीति कैसी थी, हाउ वॉज द पॉलिटिक्स, हाउ, व्हाट वर द रिलीजियस बिलीव्स, व्हाट वॉज द एजुकेशन लाइक, लोग क्या सोचते थे, व्हाट वर द रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, क्लास क्या था, इक्वालिटी क्या थी, तो सोसाइटी के बारे में तो एक तरह से जो कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी ओल्ड एज की लिटरेचर इज अ मिरर टू सोसाइटी और रादर आर्ट इन जनरल. तो लेकिन साहित्य भी ऐसा ही एक बहुत एक दर्पण है, समाज को दिखा सकता है. और इसीलिए हम, हमारे लिए भी एज यंग स्टूडेंट्स, जो आप जो हैं, एंड यू नो यू आर ऑल इन अ पर्टिकुलर टाइम, स्कूल आप खत्म हो गया है, नए एक जीवन के पड़ाव में जा रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू लर्न हाउ टू थिंक एंड यू नो टू नो अबाउट द वर्ल्ड. तो हर कोई, हम बाहर हुए, सो या लिटरेचर गिव्स यू अ ग्लिम्स इनटू सोसाइटी, इनटू द वर्ल्ड एंड इनटू योरसेल्फ, अपने बारे में भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं. सो ऑल ऑफ दैट वील टॉक अबाउट इट, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल ट्रेडिशन, सो लेट्स गो बैक टू दैट, फोक टेल्स, ये सब जो हम बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ जैसे वो एंशंट कल्चर्स, वी कैन रीड अबाउट देम, एंड जो पुरानी कहानियाँ हैं, लॉट्स ऑफ दीज ओल्ड स्टोरीज, फॉर इंस्टेंस वेद या फिर बाइबल, इनकी, वेदों की बात कर लो, बाइबल की बात कर लो, दे टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, अ लॉट ऑफ मैजिकल थिंग्स, मिथ्स, जिसमें कि दुनिया कैसे शुरू हुई, या फिर ये जो स्पेसिफिक कोई फूल है, या फिर जो कुछ कोई खाना जो खाते हैं उस जगह में, उसकी वो कैसे मिला ऐसे से, या फिर कोई नदी के बारे में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो दीज थिंग्स, फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक द बाइबल, जैसा मैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या है बाइबल में कहा जाता है, तो पूरी सृष्टि क्या है, 7 दिन में की गई थी. सो ऑफ कोर्स नाउ दैट वी हैव साइंस, वी नो इट्स नॉट ट्रू, बट द फैक्ट इज वी कैन स्टिल टेक इट एज दैट, यानी उस बाइबल को पढ़कर, यानी उसमें कई, देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत मॉरल स्पिरिचुअल मैसेज, ये सब तो है ही, बट वी कैन ऑल्सो स्टडी दैट बुक एज बिकॉज इट इज रिटन बाय मैन, जैसा हम बात करते हैं, इंसानों ने लिखी है वो किताब भी, हालांकि इंस्पिरेशन शायद भगवान से, डिवाइन, जो भी आपकी आस्था है, जो हम मानते हो वो है, बट द पॉइंट इज कि उस किताब में आपको पढ़कर जो वो चीज़ें हैं, उससे आप ये भी समझते हैं कि उस समय जो दो तीन, जो कुछ 2000 साल पहले, जो क्या है, जो ये जो जेरूसलेम, ये जो इज़राइल पैलेस्टीन का एरिया है, वहाँ पे क्या है, लोग क्या सोचते थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था.
सो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग दैट वे, इट्स लाइक अ टाइम मशीन. यू नो आप अच्छी, अगर एक कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो, यू नो इट रियली ट्रांसपोर्ट्स यू. यू कैन जस्ट गो टू दैट टाइम, यू कैन रियली फील वॉट द पीपल इन दैट टाइम वो फीलिंग, यू नो. क्योंकि देखिए एंड में बेसिकली लाइक यू नो जो किताबें हैं वो भी क्या है, इंसान ही लिखते हैं. दे आर रिटन बाई इंडिविजुअल्स, ऑब्वियसली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई सोसाइटी. जो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड, यू नो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. तो एक अच्छा राइटर या फिर एक जो अच्छी किताब है वो क्या है, अपने समाज को बेसिकली एक तरह से बहुत कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं. जैसे आप टैगोर की बात करें इंडिया में पुराने समय से, या फिर रशिया में दोस्तोयस्की, के आर नारायण, वॉल्ट विटमिन, प्रेमचंद, गालिब, टॉल्स्टॉय, कोई कमी नहीं है. हर साहित्य में रहे हैं, हर भाषा में रहे हैं. सो इन अ वे यू कैन सी लिटरेचर एज सॉर्ट ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड, यू नो, वेयर बाय यू कैन लाइक गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टाइम प्लेस इन सोसाइटी, है ना, जो कि शायद आपको फैक्चुअल बुक्स में ना मिले. बिकॉज फैक्चुअल बुक्स में यूल ओनली फाइंड फैक्ट्स, यू नो, यू विल नॉट फाइंड फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसिस, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू नो हम बस क्या बोलते हैं, वी आर नॉट जस्ट लॉजिक, राइट? वी जस्ट नॉट, हम इंसान हैं. वी हैव दिस इमोशनल साइड, वी हैव दिस स्पिरिचुअल साइड, और ये सब चीज़ें क्या है, ओनली लिटरेचर कैन ग्रास्प. बट एंड नाउ वी आर लकी दैट यू नो इट्स फ्रीली अवेलेबल. अच्छा साहित्य आप क्या है, फ़ोन में, इंटरनेट, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके फिंगर टिप्स पे. बट ऐसा नहीं था हमेशा अर्लियर. यू नो लिटरेचर और रादर नॉलेज इन जनरल वॉज लिमिटेड टू द अपर क्लासेज. जैसे इंडिया में क्या है, ब्राह्मण ही थे जो पढ़ते लिखते थे, ज्ञान के क्या है रेसिपियंट्स थे, ज्ञान के गार्डियंस थे. तो और रही राइटिंग या फिर कहानी कविताओं की बात, तो जैसे पहले के जो शायर थे, राइटर्स थे, वो क्या है ज़्यादातर किसी राजा महाराजा रानी के साथ लगते थे. और इसीलिए ऑब्वियसली तब की कविताएं, तब की कहानियां काफ़ी उस तरह की थी. ऑब्वियसली दे वर रिटन इन प्रेज ऑफ अ पर्टिकुलर किंग, क्योंकि अब जहाँ से पैसा मिल रहा है उनकी तो आप तारीफ करेंगे ही ना, जैसे राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ये आजकल की अगर आपको मीडिया को समझना हो तो शायद इसके, दैट इज़ वेरी लाइक यू नो कि पैसा कहाँ से आ रहा है. ऑब्वियसली इफ़ आई एम पेइंग फॉर समथिंग, तो आप ऑब्वियसली, अगर मैं आपको रोज़ 100 रुपये देता हूँ तो आप सबको जाके बोलोगे अरे बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, राइट? इट्स ऑब्वियस एनी हाउ, सो ऑल ऑफ दैट. बट धीरे धीरे फिर क्या है, मॉडर्नाइजेशन हुई, डेमोक्रेसी एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, और तब से क्या है किताबें फ्रीली अवेलेबल, इट्स अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट. सोचिए जब टीवी फ़ोन ये सब नहीं था तो हाँ लोग किताबें पढ़ते थे, है ना. अब धीरे धीरे अब सब फ़ोन पे हैं. सो या ऑल ऑफ दिस थिंग्स. और धीरे धीरे जैसे मॉडर्न टाइम आया, पहले क्या है कहानियाँ लिखी जाती थी राजा महाराजा भगवान देवी देवताओं के बारे में. धीरे धीरे यू नो टाइम्स चेंज, रियलिज्म, रियलिस्टिक नॉवेल्स जैसे कि प्रेमचंद आपने पढ़ा होगा. सो या यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, रियलिटी को क्या है यथार्थवाद, रियलिटी को वैसे ही बताना, यानी कहानी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालने का. जैसे लेट्स नॉट मेक इट अ फेरी टेल, और भी कई चीज़ें हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स, यू नो. और फिर धीरे धीरे ऑथर का नाम, पहले किसी को नहीं फर्क पड़ता था किसने लिखी है. थिंक अबाउट ओरल ट्रेडिशंस अगेन, सोनी बुंकू की कहानी या गाने किसने लिखे, किसी को नहीं पता. वेद और भी जो पुराने जो कई है, यू नो वेद भी हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि क्या है एक स्पेसिफिक, अगर आप कुछ नाम दे भी सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो ऑल ऑफ दिस कि किसने लिखा. धीरे धीरे बट हाँ एक प्राइवेट ओनरशिप क्या बात आ गई, तो हाँ ऑथरशिप है, इन्होंने लिखी है, नाम हमेशा रहता है कि भाई इनका काम है. सो इवन इन दिस यू कैन सी, यू नो जैसे जैसे समाज और इंसान बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे जीने के तरीके बदलते हैं, वैसे ही क्या है साहित्य जो है उन चीज़ों को कैप्चर करता है. और इसीलिए हम शायद साहित्य पढ़ते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू गेट दैट नॉलेज विच इज़ अदरवाइज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस. आप सोचिए ना, 500 2000 साल कोई जी रहा है जीवन अपना, और उसने उस समय कोई कविता लिखी थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा था. बट उस कविता को आज आप बैठकर अगर पढ़ रहे हैं, और अगर वो एक अच्छी कविता लिखी गई है, तो आज एक कनेक्शन है, यू नो यू कैन फील व्हाट दैट पर्सन वाज फीलिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग इट, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक. सो आई थिंक या दैट्स अबाउट इट. और बाकी दिस इज लिटरेचर,
एंड बट अगेन टू एंजॉय लिटरेचर वी कम बैक टू लैंग्वेज एंड वी नीड टू रियली फोकस ऑन लैंग्वेज. देखिए ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स जस्ट ग्रामर, वोकैबलरी, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग है ना. सो प्लीज़ प्रैक्टिस. मैं आपको लाइक यू नो रीड समथिंग, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ऐप्स वगैरह, देखिए थोड़े, और धीरे धीरे हम ये अलग से ग्रामर मॉड्यूल भी बना रहे हैं. सो वील कैरी ऑन विद दैट. और साथ में ये आपका जो लिटरेचर का पार्ट है, नेक्स्ट टाइम वील टॉक अबाउट स्टोरी, यू नो व्हाट अ स्टोरी इज, एंड धीरे धीरे फिर हम आपका एक्चुअल कोर्स शुरू करेंगे. ठीक है.